नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों मैं लेकर हाजिर हूँ ईवीएस का अगला पार्ट, और इस पार्ट के तहत हम देखते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट इन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनका मैं कलेक्शन आपको दे रहा हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपने नॉलेज को मेंटेन रखिए। चलिए भाई, यहाँ पर हमने 290 तक देख लिया था कि वन विश्व वन कोष प्रकृति का प्रतीक चिन्ह ज्वाइंट पांडा, जो कि चीन कंट्री में पाया जाता है, कहाँ रहता है, तो बांस के डंडों पर, ये हमने देख लिया था। तो 291 से आज हम देखेंगे भाई। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम क्या है? तो आप जानते होंगे बुध है सबसे नज़दीक, भाई बुध होता है सूर्य के, उसके बाद फिर हम बात करें तो बुध के बाद शुक्र आता है, ठीक है, फिर उसके बाद पृथ्वी आता है, ठीक है, पृथ्वी के बाद फिर आपका मंगल आता है, ठीक है, ऐसे इसका क्रम है। उसके बाद अगर हम लास्ट की बात करें तो सबसे लास्ट में भाई आपका वरुण आता है, ठीक है, वरुण के पहले आपका अरुण आता है, ठीक है, तो ये क्रम होता है इनका। चलिए अगला प्रश्न है, काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो भाई आप जानते होंगे काजीरंगा अभ्यारण्य जो है कि असम राज्य में पड़ता है। शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भाई देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया। तो देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि सतत ऊर्जा दशक घोषित किया गया है, तो ये भाई 2014 से 2024 को सतत ऊर्जा दशक घोषित किया गया, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। इटाइटाई बीमारी की वजह क्या है? तो भाई देखिए, कैडमियम की वजह से ही इटाई नामक बीमारी होती है। नाइट्रेट आयन से होता है, तो भाई देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी होती है जो किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट आयन की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए, ये आपने शायद पहले पढ़ा हो भाई, तो ये मैं बता दूं आपको कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ना। नौ, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए भाई, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आप पढ़ चुके हैं और आई थिंक आगे भी आपको ये मिलेगा। तो देखिए, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था उसका नाम था एलोई स्टोन, ठीक है, ये एलो है दोस्तों, ठीक है, एलोई स्टोन, ये जो है कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ही एक एलोई स्टोन नाम का ज्वालामुखी है, ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी एलोई स्टोन नाम से। और आपको बता दें, ये इसमें मतलब ऑलरेडी लावा निकल रहा है, ये सक्रिय है, अगर इसमें विस्फोट हो जाए, मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था इसके विषय में, ठीक है, अगर इसमें विस्फोट हो जाए तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ऐसा लिखा गया था वहाँ पे कि पूरा विश्व जो है कि मतलब पूरे विश्व में धुंध छा जाएगी और मलबा जो है कि पूरे विश्व पे छा जाएगा, और अमेरिका तो लाखों करोड़ों टन मलबे के साथ दब जाएगा, दिखेगा ही नहीं, ठीक है, ये इतना डेंजर है। बस सुकून ये है कि ऑलरेडी भाई उसमें से मतलब जागृत ज्वालामुखी है, तो इसलिए वहाँ पे फटने के चांसेस कम है, चूँकि वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ निकल रहा है ना। नौ, दक्षिण भारत का कौन सा उद्यान हाथियों का सबसे बड़ा आवास स्थल है? कहाँ पूछा, दक्षिण भारत का, तो बांदीपुर भाई, बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है कि हाथियों का सबसे बड़ा आवास स्थल है, और ये कर्नाटक कंट्री में, सॉरी कर्नाटक स्टेट में पड़ता है। किस टाइगर रिजर्व में तेंदुआ की लगभग सभी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ये नामदफा, ठीक है, टाइगर रिजर्व है, और ये कहाँ पड़ता है भाई, आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक। नौ, आगे, भारत का एकमात्र झील, देखिए ये लोकटक झील है, ठीक है, में तैरता पार्क है। तो देखिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारत का एकमात्र तैरता पार्क कौन सा है? तो इसका नाम है किबुल लामजाओ, और ये मणिपुर राज्य के अंतर्गत आता है। एक वहाँ पर झील है भाई, उस झील का नाम है लोकटक झील, ठीक है, तो ये लोकटक झील है, और ये किबुल लामजाओ जो पार्क है वो इसी झील के अंदर है, तो इसको ऐसा कहा जाता है कि ये तैरता हुआ पार्क है, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और आपको बता दें, यहीं पर जो है कि देश का पहला फ्लोटिंग स्कूल भी यहीं पे बना है, और फ्लोट
फ्लोटिंग विलेज भी हैं मिलेगा, ठीक। फ्लोटिंग मतलब तैरता हो, तो ये ध्यान दीजिएगा। फ्लोटिंग फ्लोटिंग पार्क आए, फ्लोटिंग स्कूल आए, फ्लोटिंग विलेज आए, तो सब कहाँ हो जाएंगे आपका? मणिपुर। और कौन से झील में? लोकटक झील में हो जाएगा, ठीक है। नौ, भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का उद्यान हैली का वर्तमान नाम क्या? तो देखिए भारत का जो सबसे पहला उद्यान था उसका नाम, पूर्व नाम हैली था, वर्तमान में इसका नाम है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भारत किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन अभ्यारण है, अर्थात भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन अभ्यारण है? तो आपको जानकारी अजीब लग सकता है कि भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही सबसे ज्यादा मतलब वन अभ्यारण है। देखिए चाहे राज्य की बात करें चाहे केंद्र शासित, ठीक, सबसे ज्यादा यही होगा, ठीक है। नौ, अगला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, अर्थात किससे संकट है? तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता के लिए खतरा मंडरा रहा है ना। आगे ऊन रेशम चमड़ा है, तो भाई ये प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है ऊन चमड़ा रेशम, ठीक, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है, तो देखिए यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। भाई क्वेश्चन ऐसे आता कि एलपीजी मुख्यतः किसका मिश्रण है, तो किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का, ठीक, ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण है। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, तो ये मिलाया जाता है। और देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आपका क्लियर हो जाए कि भाई एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो आप जानते हैं लिक्विड पेट्रोलियम, ठीक है, गैस होता है और ये कुकिंग गैस होती है, और इसमें चूंकि गंध नहीं होती, ठीक है, गंधहीन होती, तो इसमें गंध लाने के लिए ही ये इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे मालूम पड़ सके, और ये ज्वलनशील तो होती है आपको मालूम है भाई। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो देखिए फ्रक्टोज, ठीक, फ्रक्टोज जो है कि फलों के मीठेपन का कारण होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अगला है आयोडीन की कमी से होता है, तो भाई घेंघा रोग होता है, आप जानते हैं इसे गलगड़ भी हिंदी में कहा जाता है, और हिंदी में घेंघा भी है, मतलब दूसरा नाम गलगड़ है, ठीक है। सुई चुभाने पर शरीर का कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पीसीएस लेवल पे भी आया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो भाई इसमें जो है कि ये मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क एक ऐसा शरीर का अंग है जहां पर सुई चुभोई जाए तो दर्द महसूस नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, तो भाई चीता के लिए फेमस है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भाई पेरियार आप जानते होंगे, पेरियार बांध भी है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? केरल में, ठीक है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन ज़्यादा हो सकती है, चूंकि ग्रेट हिमालयन, ठीक है, हिमालय ग्राम से, तो कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश में। कोरिंगा अभ्यारण कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा अभ्यारण कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश में है। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। कौन सा उद्यान 12 सिंघा की अधिक संख्या के लिए जाना जाता है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 12 सिंघा की अधिक संख्या के लिए जाना जाता है। और आपको बता दें कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अगर स्टेट पूछेगा तो भाई यूपी हो जाएगा, और पूछ लेगा ज़्यादा डिटेल में तो ये आपका लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, तो भाई चींटी का होता है, ठीक है। अगला है कृत्रिम उपग्रह क्या पूछा जा रहा है भाई? कृत्रिम उपग्रह किस प्रभाव द्वारा पृथ्वी से ट्रैक किया जा सकता है या किया जाता है, तो भाई देखिए ये जो प्रभाव का नाम है इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ठीक, इसके जरिए ही जो कृत्रिम उपग्रह लगाए जाते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में, उनको इससे ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। अगला है राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था, ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई कि राज्यसभा का गठन सबसे पहले कब हुआ था, तो ये हुआ था 1952 में, 1952 में राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था, ठीक है। अगला है
विश्व में कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है? तो देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि भाई कौन सा ऐसा द्वीप है जो केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है विश्व लेवल पे, ठीक है। तो इसका नाम है सैचेलीज द्वीप समूह, ठीक है, और ये कजिन द्वीप है। तो देखिए द्वीप की बात कर रहा है ना यहाँ पे, कौन सा द्वीप, तो द्वीप का नाम है कजिन द्वीप, लेकिन ये कहाँ स्थित है, तो ये कजिन द्वीप स्थित है सैचेलीज द्वीप समूह का एक हिस्सा है, ये कजिन द्वीप यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं भाई, 290 से हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आपका 320 हो रहा है, तो ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं। तो 30 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आगे भी ये सीरीज में कंटिन्यू आपको देता रहूँगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और ये सीरीज आपसे मिस ना हो इसलिए हमारे साथ बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।